झांसी में बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा और अधिकार मंच ने कसम राम की खाते हैं, बुंदेलखंड राज्य बनवाएंगे के नारों के साथ रथ यात्रा निकाली। यात्रा का नेतृत्व मोर्चा अध्यक्ष भानु सहाय ने किया, जिसमें कई जनप्रतिनिधियों ने समर्थन दिया। झांसी में समाजवादी छात्र सभा का प्रतिनिधि मंडल लखनऊ से झांसी विद्यालय पहुंचा, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से उन्हें गर्ल्स हॉस्टल में जाने से रोका। इसके बाद प्रतिनिधि मंडल ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। कुलपति से वार्ता के बाद उन्हें आश्वासन मिला कि हॉस्टल की अव्यवस्थाओं पर कार्रवाई की जाएगी। उन्नाव में एंटी करप्शन ने निरीक्षक हीरा सिंह को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी पुलिस क्लब में पैसे लेते हुए समय हुई। दही थाने में मामले का मुकदमा दर्ज किया गया और इंस्पेक्टर को हिरासत में लिया गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने तिरुपति बाला मंदिर में प्रसाद में मिलावट पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हमारे मंदिर और सनातन पर कुठार आघात करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने वैदिक परंपरा को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। फरुखाबाद में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर अटेवा के पदाधिकारियों ने जिला अस्पताल लोहिया में प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष नरेंद्र सिंह ने कहा कि यूपीएस पेंशन योजना एनपीएस से भी खराब है। उन्होंने पुरानी पेंशन योजना लागू कराने के लिए संघर्ष जारी करने की बात कही। नरेंद्र सिंह जाकर जिला अध्यक्ष अटेवा फरुखाबाद अटेवा के किस मांग क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे की जो केंद्र सरकार हम लोगों की जो बुढ़ापे की पुरानी पेंशन उसको आप बहाल करें। अभी जो केंद्र सरकार ने एनपीएस की जगह यूपीएस जो लागू की है ये हमको कतई मंजूर नहीं है। ये एनपीएस से भी ज़्यादा ख़राब है। हमको किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं चाहिए। हूबहू पुरानी पेंशन बहाल करनी चाहिए और जब तक ये पेंशन बहाल नहीं हो जाएगी तब तक अटेवा एनओपीएस ये लड़ाई जारी रहेगी। कुशामी में गंगा नदी में बाढ़ आने से दो गांव प्रभावित हो गए। तराई इलाके की 500 से ज्यादा फसलें बर्बाद हो गए, जिसमें शकरकंद, मिर्ची, तिल्ली, धान और बाजरा शामिल है। दर्जनों झोपड़ियां जलमग्न हो गई हैं और ग्रामीण नाव से सामान निकालने में जुटे हैं। महाराजगंज में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में लीकेज की वजह से दो घर जल गए। आग में विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महंत अवैधनाथ की 10वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि समारोह में कहा कि जातीय विभेद और छुआछूत के चलते सामाजिक एकजुटता की कमी राष्ट्रीय एकता को चुनौती मिलती रहेगी। उन्होंने संत परंपरा के माध्यम से एकता और समरसता का संदेश देने की बात कही। झांसी में जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने समथर नगर पालिका परिषद पुनर्गठन पेयजल योजना का निरीक्षण किया। उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का काम को संतोषजनक न होने पर नाराजगी जताई और निर्देश दिए कि इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए। कार्यक्रम के अंतर्गत समथर नगर पालिका में पेयजल योजना का गठन किया गया है, उसी का कार्य यहाँ पर चल रहा है। उसी का औचक निरीक्षण करके देखा गया कि यहाँ पर पेयजल योजना जो जुलाई 2025 तक पूर्ण होनी है तो उसकी क्या प्रगति है। तो जैसे लगभग जो राइजिंग मेन पड़नी है 4.5 किलोमीटर की, उसमें से 2 किलोमीटर राइजिंग मेन डाली जा चुकी है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क 27 किलोमीटर का है, जो कि अभी थोड़ा सा पीछे चल रहा है, उसी के लिए उसको देखा। और साथ ही साथ क्वालिटी का काम हो रहा है कि नहीं, और जैसे 8 ट्यूबवेल खोदने थे उसमें ट्यूबवेल खोदने का कार्य हो चुका है, बट पंपिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं, बिजली के कनेक्शन लेने हैं। और इसके अलावा 2 हमें ओवरहेड टैंक्स बनाने थे जिनकी पाइलिंग का काम कंप्लीट हो गया, तो ओवरहेड टैंक्स अभी शुरू नहीं हुआ। हरदोई में तहसील दिवस के दौरान एक फर्जी लेखपाल को पकड़ा गया। डीएम और एसपी की सुनवाई के बीच आरोपी महिला के जाति प्रमाण पत्र पर फर्जी रिपोर्ट लगा रहा था। शक होने पर अन्य लेखपालों ने उसे पकड़कर डीएम और एसपी के सामने पेश किया। डीएम के आदेश पर पुलिस ने गिरफ्तारी की और मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की।